कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि, शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों संकट, दास जनों के संकट।
ओम नमो नारायण। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की। भक्तों, आज पावन बृहस्पतिवार है। कुछ लोग इसे वीरवार अथवा गुरुवार भी कहते हैं। यह दिवस भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि विष्णु का उपवास रखता है, सारा दिन हरि भजन और कीर्तन करता है, सायंकाल व्रत कथा सुनने के पश्चात पूजन चालीसा आरती कर पीले रंग के मीठे भोजन से भगवान को भोग लगाता है और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करता है, वो भक्त जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं संगीतमय पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा। श्रीमन नारायण हरि कालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी पाओगे मुक्ति वरदान जी। बृहस्पतिवार के व्रत की गाथा पार हुआ जो सुनता सुनाता, ले लो नाम जी पाओगे मुक्ति वरदान जी। एक महाप्रतापी राजा राज्य किया करता था। अत्यंत प्रजावत्सल और धर्मपरायण था। यथा संभव ब्राह्मणों एवं दरिद्रों को दान पुण्य किया करता था। परंतु उसकी रानी पूर्णतः नास्तिक थी। स्वयं तो पूजा पाठ करती नहीं थी और राजा को भी दान पुण्य करने से रोका करती थी। एक समय राजा आखेट करने हेतु वन गए हुए थे। उसी समय देव गुरु बृहस्पति दरिद्र ब्राह्मण के वेश में राजमहल में आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी तो पहले से ही दान पुण्य से दुखी थी। देव गुरु बृहस्पति रूपी ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। भगवान करे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। गुरु बृहस्पति ने उसे लाख समझाया, परंतु वो न मानी। देव गुरु बृहस्पति करते भी तो क्या, तथास्तु कहकर उसे धन संपत्ति नष्ट होने का उपाय बताकर अंतर ध्यान हो गए। गुरुवार से स्नान भी करना, भट्टी जला कर कपड़े धोना और सिर धोना भूल न जाना। सारा धन माटी मिल जाए, यश वैभव सब कुछ खो जाए, घटे नाम जी दुनिया हो जाएगी वीरान जी। दुनिया हो जाएगी वीरान जी। श्रीमन नारायण हरि गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी पाओगे मुक्ति वरदान जी। लगातार तीन बृहस्पतिवार ऐसा ही किया था भक्तों, और देखते देखते उनकी सारी धन संपत्ति सुख यश वैभव सब समाप्त हो गया। कल तक जो राजा धन धान बांटता था, आज स्वयं एक एक अन्न के दाने को तरस गया था।
एक दिन राजा के मन में विचार आया कि वो परदेश जाकर कुछ धंधा करेगा, वहीं से कुछ पैसे जोड़कर रानी को भेजेगा। यह सोचकर रानी के साथ एक दासी को छोड़ा और स्वयं परदेश चला गया। वहां लकड़ी काटकर बेचता, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता। इतना भी धन नहीं कमा पाता था कि रानी को कुछ भिजवा सके। और इधर जब 7 दिनों तक लगातार रानी और दासी दोनों भूखे रहे, तब रानी ने अपनी दासी को पास के नगर में रहने वाली अपनी बहन के पास मदद मांगने हेतु भेजा। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। गुरुवार का व्रत वो करती रानी की बहना पूजन करती। दासी ने सब बात बताई पर बहना से ना उतर पाई। मन से वापस आई रानी को सब बात बताई, हुई हैरान जी कैसे हैं फूटे मेरे भाग जी। कैसे हैं फूटे मेरे भाग जी। श्रीमन नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, ओ कल्याण जी व्रत की कथा है ये महान जी। उधर रानी की बहन ने जब गुरुवार का व्रत पूजन समाप्त किया तो भागी भागी अपनी बहन के पास आई। बोली, बहना मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, इस पूजन के बीच में न तो उठते ही हैं और न ही किसी से कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी दासी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। रानी ने जब अपना सारा हाल अपनी बहन को रो रो सुनाया तो वो बोली, बहना भगवान बृहस्पति देव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं, तू सच्चे मन से उनका ध्यान लगा, उनसे अपने किए की क्षमा मांग, वो तुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे। रानी ने ऐसा ही किया कि तभी रसोई घर से कुछ आवाजें आने लगी। दासी ने दौड़ कर देखा तो क्या देखती है कि बर्तन अनाज से भरे हुए हैं। बृहस्पति देव की कृपा से सबने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार पूजन की व्रत विधि और व्रत कथा पूछी तो बहन ने ये बताया, दाल चने और लेना मुना का पूजा के फिर थाल सजाना। विष्णु जी का पूजन करने केले की तुम जड़ में जाना। पीले वस्त्र को धारण करना, पीला मीठा भोग लगाना, हो कल्याण जी देंगे दया का हरिदान जी। श्रीमन नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी व्रत की कथा है ये महान जी। अगले बृहस्पतिवार रानी व दासी दोनों ने
गुरुवार का व्रत रखा, थाल में थोड़ी सी चना दाल, गुड़ और मुनक्के रखे, केले की जड़ में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, पीले वस्त्र धारण किए, सायंकाल पूजन आरती और व्रत कथा के पश्चात जब भोग लगाने लगी तो क्या देखती है कि थाल में मीठा पीला भोजन तो है ही नहीं। दोनों सच्चे मन से भगवान बृहस्पति देव का सुमिरन करने लगी कि तभी क्या देखते हैं कि थाल में देशी घी के बने बेसन के लड्डू भरे हुए हैं। दोनों ने मिलकर भगवान को भोग लगाया ही था कि भगवान की कृपा से राजा भी कुछ धन कमाकर परदेश से वापस आ गया। धीरे धीरे उनका खोया धन यश वैभव वापस आ गया। अब राजा रानी नित्य प्रति बृहस्पतिवार का व्रत रखते, पीले वस्त्र धारण करते, पूजा की थाल में गुड़ चना और मुनक्के लेते, केले की जड़ में जाकर श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाते, सायंकाल पूजन आरती के पश्चात व्रत कथा सुनते, मीठी पीली वस्तु का भोग लगाते, भगवान की कृपा से पहले की ही तरह राजा रानी दान पुण्य करने लगे और जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसी तरह भक्तों, यदि कोई प्राणी बृहस्पतिवार का पावन व्रत पूरे श्रद्धा भाव के साथ रखता है और सभी नियमों का पालन करता है, वो प्राणी श्री हरि की विशेष कृपा को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की। वीरवार व्रत कर जाओगे भव सागर से तर जाओगे, चंदन तिलक जो करते अर्पण हरि कृपा तुम पा जाओगे, बेड़ा श्री हरि पार लगाए भक्तों पर कृपा बरसाए, देवर दान जी भक्तों का होगा कल्याण जी। श्रीमन नारायण को गालो, श्री विष्णु जी को ध्यालो, हो कल्याण जी, व्रत की कथा है ये महान जी। सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि श्री हरि सत्य नारायण व्रत कथा का वृतांत बताने जा रहा हूँ, जिस व्रत को करने से तथा सत्य नारायण व्रत कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्तजन मनवांछित फल पाते हैं।
अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार सौनकादि ऋषि भ्रमण को निकले थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट महर्षि सूत जी से हो जाती है। सभी वेद पुराणों के ज्ञाता होने के कारण उनके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। सूत जी को देख ऋषियों के मन में संसार के परोपकार को लेकर एक प्रश्न सूझा। जय श्री हरि। सौनकादि ऋषियों ने मिलकर पूछा एक उपाय, हे महर्षि कोई सुख समृद्धि की विधि हमें बताए। हे ऋषिवर मुझे कोई उपाय ऐसा बतलाना, सरल सुगम पर लोक में लक्ष्य हो जाए पाना। सूत जी फिर ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं, मृत्यु लोक को देख के नारद दुखी हो जाते हैं। नारद जी ने नारायण से जाके प्रश्न किया, मृत्यु लोक पर कष्टों का प्रभु उपाय है क्या। नारद जी को नारायण एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि बोले, हे नारद, अगर व्यक्ति सांसारिक जीवन यापन करते हुए सुख समृद्धि पाना चाहता है तो वह श्री सत्यनारायण व्रत कर अपना लोक तथा परलोक दोनों ही सुधार सकता है। तभी नारद जी हाथ जोड़कर नारायण से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने की क्या विधि है और इसका क्या फल मिलता है, प्रभु मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। तभी श्री हरि नारद की विनती सुनकर बोलते हैं, नारायण फिर नारद जी को लगे हैं बतलाने, श्रद्धा भाव से जो व्यक्ति हो व्रत को मन ठाने। स्नान आदि कर श्री हरि का जो भी करेगा ध्यान, रहे व्रत फिर निराहार ना करे है वो जलपान। गाय के गोबर से होवे पूजा स्थल पाई, पूजा करने के लिए रखे चौकी तो बिछाई। चौकी के चारों ओर तो केले के वृक्ष लगाए, चौकी पर ठाकुर जी को बिठा के खूब सजाए। सबसे पहले श्री गणेश को भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, जी को श्री सत्यनारायण व्रत की विधि बताते हुए श्री हरि बोले, हे नारद, प्रथम श्री गणेश का आवाहन लगाने के बाद श्री राम लखन सीता राधा कृष्णा शिव गौरा आदि देवी देवताओं की आरती करी पंचामृत चढ़ाना चाहिए तथा उसके बाद आए हुए पंडितों को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं। जय श्री हरि। सौनकादि
पूजा पाठ के बाद व्रती को भोजन करना चाहिए। शायम काल श्री हरि भजनों में सबको रमना चाहिए। सद्मार्ग पर चलना इस व्रत का है मूल आधार। श्री सत्य नारायण स्वामी करते दया अपार। भक्त दुखों कष्टों से सदा ही रहते हैं फिर दूर। अनहोनी संकट सभी फिर ना करते मजबूर। सा परिवार मिलजुल कर फिर करे हरि का पाठ। मोह माया सब टल जाती है हो जाते हैं ठाट। सुख वरदानी नर कल्याणी बात बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान। मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। तभी सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह व्रत पूजन किस किस ने किया वो सारा वृतांत हम बताते हैं। एक सुंदर काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण भूख प्यास से धरा पर नित्य भटकता। तभी ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर उसके सामने आ गए और उनके पूछने पर वह निर्धन ब्राह्मण अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तभी श्री हरि उस ब्राह्मण से कहते हैं, श्री सत्य नारायण व्रत का किया करो पूजन। नहीं रहोगे भूख कभी ना रहोगे तुम निर्धन। इतना कहे अदृश्य हुए फिर श्री हरि भगवान। निर्धन ब्राह्मण समझ सका ना ये कहाँ गया इंसान। कल से मैं व्रत करूँ यह समझ में आई है। यही सोच कर उसने सारी रात बिताई है। अगले दिन भिक्षा में खूब अन्नधन को पाया है। फिर तो सत्यनारायण व्रत को उसने पाया है। हुई कृपा फिर श्री हरि की वो बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान। मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि ऋषि सूत जी समस्त ऋषियों को श्री सत्यनारायण की कथा सुनाते सुनाते हरि की महिमा में लीन हो गए। फिर एक और कथा सुनाने लगे कि एक उल्का मुख नाम का राजा था जो भगवान श्री हरि का परम भक्त और बुद्धिमान था तथा उसकी पत्नी प्रतिव्रता स्त्री थी जो उसका साथ निभाती थी। एक बार उन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर गए और वहां सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। राजा के पास में साधु नाम का एक बनिया आया। हाथ जोड़ कर आदर से राजा को शीश झुकाया। बनिए ने फिर पूछ लिया, है आप कौन व्रत करते। किसकी कृपा से आप सदा सुख चैन में है रहते। उल्का मुख ने बनिए को फिर बात बताई है। सत्य नारायण
व्रत की सारी विधि समझाई है। बोला बनिया हे राजन ना मेरे हैं संतान, पूरी हुई जो मनोकामना करेंगे व्रत अनुष्ठान। इतना कह साधु फिर अपने घर को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान। इतना कह के साधु अपने घर को आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कुछ समय के बाद हरि की कृपा से उसको एक पुत्री प्राप्त होती है। तत्पश्चात उसकी पत्नी साधु को व्रत करने को कहती है। तभी साधु अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पुत्री के विवाह के समय कथा करवा दूंगा। यह कहकर वह बात को टाल देता है। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। जय श्री हरि। कन्या के योग्य वर ढूंढ के उसका विवाह किया, भूल गया फिर भी व्रत को ना उसने व्रत किया। व्यापार को करने अपने दामाद के संग में जाता है, सत्यनारायण व्रत का उसको ख्याल नाता है। बहुत कमाया धन दोनों ने पास में जमा किया, एक नदी के पास जा पहुँचे लेकर धनवा। चंद्र के तू राजा के राज्य में था विश्राम किया, एक चोर ने राजकोष से था धन चुरा लिया। चोर समझ उन दोनों को सैनिक ले ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, चित वरदान। करो सत्य हरि गुणगान। राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि चोर चोरी का धन अपने साथ ना ले जा सके। उन्होंने सारा धन उनके पास ही रख दिया था। पास में धन पाकर सैनिक उन दोनों को कारावास में डाल देते हैं। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से समझाते हैं। जय श्री हरि। कलावती साधु की पत्नी सोचने लगती है, रम गए दोनों काम कहाँ वो डरने लगती है। बीत गए कई वर्ष न इनकी मिली है कोई खबर, अब तो हर पल हो रही चिंता लगने लगा है डर। श्री सत्यनारायण से फिर उसने अरज लगाई, करूंगा व्रत पूरा है भगवन आए पति जमाई। चंद्र केतु के सपने में हरि ने समझाया है, ये दोनों निर्दोष है प्राणी उन्हें समझाया है। चंद्र केतु उन दोनों को दरबार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान। करो सत्य हरि गुणगान।
चंद्र केतु उन दोनों को दरबार में बुलाकर कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि आपने चोरी नहीं की है। उसने सपने वाली सारी बात साधु और उसके दामाद को बतलाई और उन्हें उनका सारा धन देकर आदर पूर्वक विदा किया। उधर कलावती सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूरा करती है, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि उसे उसके पति और दामाद दोनों लौटा देते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जिसने भी इस व्रत को श्रद्धा भाव से ध्याया है उसने फिर मोह माया छोड़कर मोक्ष को पाया है। इस व्रत को करने से पूरी होती है आशाएं, सुख संपत्ति घर आता है टल जाती बाधाएं। अति शीघ्र पापों से मुक्ति इससे है मिलती, इसके आगे मोह माया चल विद्या ना चलती। डीएस पाल ने सुमिर हरि को गाथा है गाई, मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा अपनी कलम चलाई। डीएस प्रेम श्री हरि चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। हे विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाय, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताय। नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल बाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न चाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सजन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त कुबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा।
भार उतार असुर दल मारा रावण आदिक को संघारा आप बराहा रूप बनाया हिरण्याक्ष को मार गिराया धर्मतस्य तन सिंधु बनाया चौदह रत्नन को निकलाया अमिलख असुरन द्वंद मचाया रूप मोहिनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया असुरन को छवि से बहलाया कूर्म रूप धर सिंधु मझाया मंद्राचल गिरि तुरत उठाया शंकर का तुम फंद छुड़ाया भस्मासुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उनको ढूंढवाया मोहित बन कर खल ही नचाया उस ही कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बलदाई शंकर से उनकी लड़ाई हार पार शिव सकल बनाई कीन सती से चल खल जाई सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी बतलाई सब विपत कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी वृंदा की सब सुरति भुलानी देखत तीन धनुज शैतानी वृंदा आए तुम्हें लपटानी हो अस्पर्श धर्म क्षति मानी हन असुर उर शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे हिरणाकुश आदिक खल मारे गणिका और अजामिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु उतारे हरहु सकल संताप हमारे कृपा करहु हरि सिर जन हारे देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारे चहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग्य जब पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण करहूँ आपका किस विधि पूजन कुमत विलोक होत दुख भीषण करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण कौन भांति में करहूँ समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई
दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदाय विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करे, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और पद्म गदा, हे विष्णु महाराज। जगत पते जग के पालनहार, आपके श्री चरणों में नमन है सौ सौ बार। पार ब्रह्म परमात्मा परम पिता तेरो नाम, स्वर्ग से पावन है प्रभु आपका वैकुंठ धाम। शंख चक्र गदा धारते और पदम तोरे हार, दया के आप निधान हो नाथों के हो ना। कल्प तरु के समान है आपकी कृपा ना, धन वैभव यश कीर्ति देते दीना ना। आनंद आनंद कंद श्री विष्णु भगवान, बालक हम नादान है दूर करो अज्ञान। रूप चतुर भुज आपका पावन परम सुहाग, चरण शरण में आए जो अब से वो तर जा। लक्ष्मी रमणा आप हो श्री नारायण था, सब भक्तों के काटते पाप ताप संता। चिंता मणि बन के प्रभु सगरी चिंता मिटा, श्री नारायण बोले जो उसको शरण लगा। जब धरा पे पापों का बढ़ने लगा था भार, धरा के भार को हरने को ले लिए थे अवतार। दस अवतारों की कथा पावन परम महान, जिसने सुनी भव तर गया जाए वैकुंठ धाम। श्री विष्णु के चरणों का भक्तों ध्यान लगा, दस अवतारों की कथा तुमको रहा सुना। अवतारों की है कथा कहते वेद पुराण, भक्तों ध्यान लगाइए
कर लीजिए गुणगान। पहले मत्स्य अवतार को नमन है सौ सौ बार, प्रलय से बचाने धरती को धरे मत्स्य अवतार। मनु नाव में बैठ कर जो ही सागर था, आई प्रलय मनु धरती को मत्स्य अवतार बचा। कच्छप कहो या कूर्म कहो दूजा है अवतार, अपनी पीठ पे धारा था तुमने शिला का भार। सागर मंथन हो रहा शिला को कौन उठा, कूर्म रूप अवतार में श्री विष्णु जी आ। नारायण ने धरा वराह कथा अवतार, हिरण्याक्ष से दैत्य का तुमने किया संहार। हिरण्याक्ष की कैद से धरती को छुड़वा, दांतों मध्य में धार के ले पाताल से आ। नरसिंह रूप तो आपका चौथा है अवतार, हिरण्यकश्यप दैत्य का तुमने किया संहार। अपने भक्त प्रहलाद की तुमने जान बचा, गोदी बैठ प्रहलाद ने नारायण गुण गा। रूप में आपने वामन लिया अवतार, बलि नामक दैत्य को भव से लगाया पार। दानी बलि से आपने भूमि तीन पग मान, दो पग में नापी सृष्टि तीजी रखूं कांटा। बलि ने चरणों में आपके दे दिया शीश नवा, उसके शीश पे आपने दिया तपग धरा। बलि ने हाथ उठाई के करी थी जय जयकार, बलि को अमर बना दिया महिमा अपरंपार। परशुराम तो आपका छठा प्रभु अवतार, ब्राह्मण होकर भी प्रभु फरसाहत रहे था। तीन बार धरती करी क्षत्रियों से भी, जय जयकार लगा रहे सभी दीन और ही। त्रेता युग में आपने धरा राम अवतार, पापी रावण का किया आपने ही संहार। मर्यादा पुरुषोत्तमा
बन के राह दिखा। मर्यादा क्या होती है सृष्टि को दिया बता। युग में आपने धरा कृष्ण अवतार, पापी कंस कुमार के हरा धरती का भार। महाभारत के महानायक गीता ज्ञान पठार, भेद आत्मा के सभी सृष्टि को बतला। बुद्ध के अवतार में दिया शांति संदेश, अहिंसा परम ये धर्म है आपका है आदेश। मुक्ति फल जो पाना है बुद्ध की शरण में जा, बुद्धम शरणम गच्छामि सभी भक्त ये काम। रूप में कल्कि का धरोगे तुम अवतार, पीले घोड़े आओगे होकर तुम असवार। कलयुग का मिटा दोगे पाप ताप संसार, आपकी राह बुहारते कब आओगे आ। भार प्रभु इस कलयुग का अब तो सह नहीं जा, तुम बिन है कल की प्रभु हमको कौन बचा। संभल नगरी आपका पावन परम स्थान, इसी जगह पर जन्मेंगे श्री कल की भगवान। अवतारों की कथा पावन परम सुना, नारायण हरि नाम की मन में अलख जगा। जैसे धन्ना जाट के शालिग्राम बन आए, हम भी शरण है आपकी प्रभु वर पार लगा। जैसे मोहिनी रूप में लीला परम दिखा, वैसे ही प्रभु भक्त को अपनी शरण लगा। चरण धूलि से आपकी चंदन तिलक लगा, हाथ जोड़ विनती करी प्रभु जी रहना सहा।